नमस्कार द न्यूज देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया तो यहां पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके जमानत मिल जाए अंतरिम जमानत मिल जाए अब यहां पर उनको बड़ा झटका लगता हुआ जी हाँ बड़ा झटका इसलिए क्योंकि अब जो है जिस गेंद पर अरविंद केजरीवाल खेलने का प्रयास कर रहे थे उस गेंद पर छक्का लगा दिया ईडी ने आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे दरअसल देखिए अरविंद केजरीवाल बार बार क्या कह रहे थे स्वास्थ्य ठीक नहीं है कैंसर हो सकता है किडनी खराब हो सकती है तमाम मेडिकल टेस्ट कराने हैं पेट स्कैन कराना है सिटी स्कैन कराना है इसलिए एक हफ्ते की जो है और अंतरिम जमानत जो है मंजूर कर दी जाए लेकिन अब ईडी ने इस गेंद पर छक्का इसलिए लगा दिया मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भरी अदालत में कुछ ऐसा आएगा, ही, आएगा जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को या फिर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करेगा आप तो कह रहे कि आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो ईडी ने कह दिया भरी अदालत में अगर आपकी सेहत ठीक नहीं थी इतने दिन से आपको जमानत मिली थी तो फिर आप प्रचार क्यों कर रहे थे क्योंकि अगर जमानत मिली है आपको प्रचार प्रसार करने के लिए और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं लेकिन प्रचार प्रसार तो जोरों शोरों से चल रहा है सुबह शाम दिन रात रोड शो जनसभाएं रैलिये और प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ चल रहा था यहां पर तो लेकिन जैसे ही जेल में जाने की बारी आई वैसे ही स्वास्थ्य सामने आ गया कि मेडिकल कंडीशन खराब हो गई है केजरीवाल की कैंसर हो सकता है उनको किडनी खराब हो सकती है उनकी इतने दिन इतना जो है एक्सपोजर में रहे और इतने जो है यहां पर भीषण गर्मी में तीव्र गर्मी में जो है अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार करते रहे तब स्वास्थ्य एकदम ठीक था लेकिन जैसे ही जेल जाने की आई तो स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लगा ही लगा इस बीच अब आपको बता दें अभी बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से जो झटका लगा था उसके बाद कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं और अब जो है राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ जो है रुख किया गया है यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब इसमें दो मनीष की की सिसोदिया है, है। को भी इतना समय हो गया बाहर नहीं आ रहे हैं और मुश्किल है कि वो जमानत इनको मिल जाएगी दूसरी अर्जी जो उन्होंने लगाई है वो है सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत जो यही मेडिकल वाला जो सारा खेल है खेल दरअसल ये मेडिकल वाला नहीं है खेल कुछ और ही है जैसा हमने आपको पहले भी रिपोर्ट्स में बताया था कि उधर से भगवंत मान को हटाकर राघव चड्डा को बनाना है ताकि एक राज्यसभा सीट खाली हो और उस पर अभिषेक मनु सिंघवी को किसी ना किसी तरह सेट करना है क्योंकि वादा किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने देखिए आपको बाहर तो मैं निकालूंगा जमानत आपको मिल जाएगी लेकिन मेरे को भी राज्यसभा चाहिए फिर इसके बदले में और वही हो रहा है अभी ये दोनों साथी एक दूसरे को इसी तरीके से जो है यहाँ पर खुश करने का प्रयास कर रहे हैं बहरहाल अब एक जून को सुनवाई होगी केजरीवाल की के अर्जी पर और राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और सब जानते हैं ईडी क्या जवाब देगी ईडी अभी भी जैसे बोल चुकी है कि भैया अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप प्रचार प्रसार कर कैसे रहे हैं ये तो समझ से परे हैं कैंसर होने वाला किडनी खराब होने वाली है लेकिन प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है चिल्ला चिल्ला करके प्रचार प्रसार हो रहा है लेकिन जेल जाने की बारी आती है तो सब बीमारियां एक साथ आ जाती हैं सवाल तो इसीलिए उठेगा क्योंकि किसी के स्वास्थ्य पर सवाल नहीं सवाल इसलिए उठेगा कि आप एक तरफ जो कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो कर रहे हैं यानी कि कथनी और करनी में आपके जमीन आसमान का अंतर है इसीलिए आप पर सवाल उठेगा और अब देखना होगा कि एक जून को जो जवाब मांगा गया है तो ईडी की तरफ से क्या और इसमें चीजें जो है वो एड ऑन करके बताई जाएंगी यानी कि क्या और चीजें जो है इसमें नई देखने को मिलेंगी क्या कहा जाएगा अरविंद केजरीवाल के मसले में बहरहाल अब लोगों की भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो इस मामले में सामने आ रही हैं लेकिन जनता जनार्दन है आप लोग भी समझदार हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि अरविंद केजरीवाल जो मई के दूसरे हफ्ते में बाहर आते हैं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है प्रचार प्रसार करने की कि पांच साल बाद जो है चुनाव हुआ है पांच साल बाद इतना बड़ा चुनाव हो रहा है तो बाहर आकर के प्रचार प्रसार करने दो पच्चीस मई को दिल्ली में वोटिंग होती है पच्चीस मई तक सब कुछ सही था उसके बाद एक जून को पंजाब में वोटिंग है और आज प्रचार प्रसार थम रहा है तो जैसे ही प्रचार प्रसार थमने का समय आया वैसे ही शिगुफा छोड़ दिया गया और शिगुफा छोड़ा किसने आतिशी मार लेना ने। घर परिवार से कुछ नहीं है सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद ऐसे निकल करके उभर करके सामने आई हैं वो एग्जाम्पल देना गलत नहीं होगा जैसे बिहार में राबड़ी देवी आई थी वैसे ही वो बाहर आई लेकिन उनकी तरफ से पत्नी भी है उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो है इतनी खराब हेल्थ कंडीशन हो गई है लेकिन आतिशी मार लेना आकर के बोलती है देखिए उनको तो पेट सिटी स्कैन कराना है उनका वजन जो है सात किलो घट गया है उसकी चिंता हो गई उनको बहुत ज्यादा इसलिए सात किलो वजन घट गया इसलिए सात दिन की जो है अंतरिम जमानत भी चाहिए आम आदमी पार्टी की ही जो है भाषा इस तरीके की रहती है सभी चीजों को लेकर के बहरहाल तो यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट से तो राहत नहीं मिली थी राउल एवेन्यू कोर्ट गए हैं वहां से भी राहत मिलने के आसार ना के बराबर ही हैं गुरुवार को जो है दो बजे सुनवाई हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में रेगुलर और अंतरिम जमानत दोनों याचिका जो है उन्होंने दायर की हुई है और ईडी ने कहा कि अगर उनकी सेहत खराब है तो फिर इतने जोर शोर से प्रचार प्रसार कर क्यों रहे हैं वो और आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद रविंद्र केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है अभी अंतरिम जमानत पर एक जून तक जेल से बाहर हैं वो भी चाह रहे हैं कि एक हफ्ता और एक्सटेंशन उनको मिल जाए और इस बीच चार को रिजल्ट भी है लेकिन यही अरविंद केजरीवाल कितनी बार अपनी बातों से पलटते हैं इससे पहले क्या कहा था जब ये पब्लिक के बीच में जा रहे थे कि आप हमें जिता दीजिए एक बार सरकार बना दीजिए विपक्ष की देखिए मैं दो को जा रहा हूं पांच को मैं वापस बाहर आ जाऊंगा ये तो जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं जनता के सामने कि अगर हम जीत जाते हैं अगर विपक्ष जीत जाता है तो हम तो जुडिशियल को कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि कहने का जो है तात्पर्य वो यही है कि आप हमें जिताइए देखिए चार जून को जिता दीजिए पांच जून को मैं बाहर आ जाऊंगा यानी कि ये जुडिशियरी को कंट्रोल करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल ये पहले ही अपनी जनसभाओं में दे चुके हैं और बाकियों पर आरोप लगाते हैं तानाशाही का डिक्टेटरशिप का और तमाम इस तरह के जो है वर्ड्स ये लेकर के आए हैं जिसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार ये खैर करते हैं बहरहाल ईडी की तरफ से ए एस एस राजू ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी एक कॉपी मिली है मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं ईडी ने सवाल किया कि क्या उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा उन्होंने बहुत जोर शोर से अपनी पार्टी का प्रचार किया और अब अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है उनके आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए तो ईडी पहले से ही पता था कि केजरीवाल की याचिका का विरोध करेगी और विरोध किया भी ईडी की तरफ से पेश वकील एस वी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनावी प्रचार प्रसार में जो है लगे हुए हैं कई जगह पर जाकर वो रैलियों को भी संबोधित कर रहे हैं ईडी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे इसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और एक जून को राउस एवेन्यू कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा आपको बता दें कि केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में ये दो अलग अलग जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं एक रेगुलर बेल की है दूसरी अंतरिम यानी जिसको इंटरिम बेल कहा जाता है वो है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मांग को ठुकरा दिया था तो अब यहाँ पर ईडी ने आज केवल एक स्टेटमेंट से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है इससे समझ में आ रहा है कि एक जून को जब जवाब दाखिल किया जाएगा ईडी की तरफ से तो उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि दो जून को वापस जाना है जेल में बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें न्यूज़ के साथ धन्यवाद